हे गाइज, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कश्मीरा एंड आज के इस वीडियो में हम वार्ली पेंटिंग करने वाले हैं बॉटल पे। तो उसके लिए हमें पहले ग्लास बॉटल लेनी है। आप किसी भी कलर की ग्लास बॉटल ले लो और उसके ऊपर हमें पहले बेस कोट देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं वाइट एक्रेलिक कलर दे रही हूँ और उसके लिए मैं फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी अच्छा वाइट एक्रेलिक कलर ले लो, इस लाइक फेविक्रिल का ले लो या फिर फेब्रिका का ले लो, दोनों अच्छे से वर्क करते हैं। या फिर आप चॉक पेंट भी यूज़ कर सकते हो। एक कोट देने के बाद हम ये वाला कलर देने वाले हैं, ये है चॉक पेंट और जो शेड नेम है वो है टेराकोटा। तो बेसिकली मुझे वार्ली पेंटिंग के लिए एक ऐसा बैकग्राउंड चाहिए था जो नेचुरल लगे, राइट। तो अगर आपको पता है कि वार्ली पेंटिंग एग्जैक्टली क्या है, तो वो ऐसी एक आर्ट फॉर्म है कि जिसमें सिर्फ दो कलर्स यूज़ होते हैं ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म में। अभी तो बहुत सारे मल्टी कलर चीज़ें भी करते हैं लोग, बट ट्रेडिशनल उनका ऐसा है कि वो मड़ के ऊपर वाइट कलर से पेंट करते थे। वो वाइट कलर भी नहीं रहता था, वो राइस से बना हुआ कलर रहता था। तो ये सारी चीज़ें नेचुरल चीज़ें हैं और उनके पास तब ब्रश भी नहीं होता था। तो वो जो ऐसे स्टिक्स मिलते हैं, बाम्बू के स्टिक्स या फिर लकड़ी के से बारीक उसको कट करके बनाते हैं, उस टूल से वो ये पेंटिंग करते थे। तो इसका बहुत हिस्ट्री और वो सब है, तो मैं किसी और वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी। बिकॉज़ ये अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं बताऊंगी, या नहीं तो बहुत सारे लोग सिर्फ आर्ट फॉर्म में इंटरेस्टेड होते हैं बट उसकी हिस्ट्री और वो सारी चीज़ों में यूजुअली लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। तो अगर आप हैं इंटरेस्टेड, आप जानना चाहते हैं कि ये आर्ट फॉर्म का हिस्ट्री क्या है, कहाँ से है, क्या है, सब कुछ डिटेल में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो जो कलर है वो आपको दे देना है बॉटल पे और उसको भी ड्राई होने देना है। और ड्राई होने के बाद हम वाइट कलर से इस तरह से पेंट करेंगे छोटे छोटे जो फिगर्स होते हैं उसके। ये पूरा प्रोसेस मैंने रखा हुआ है ताकि आप देख देख के एग्जैक्ट वैसे बना सकते हो। और जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ वो राउंड ब्रश है, नंबर 4 का ब्रश। आप अगर और बारीकी से काम करना चाहते हो और डिटेल में काम करना चाहते हो तो आप राउंड ब्रश नंबर 1 या 2 भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपकी बॉटल बड़ी है या जो भी सरफेस पे आप काम कर रहे हो वो सरफेस अगर काफ़ी बड़ा है तो आप राउंड ब्रश का नंबर का जो साइज़ है वो बढ़ा दो। बट ये जो टेक्निक्स है ये सेम यूज़ करनी है। अब इसके ऊपर मैं पर्टिकुलरली एक ऐसा ड्राइंग बना रही हूँ कि जैसे एक पर्सन है जो बीच में खड़ा है और वो जो ढोल होता है वो बजा रहा है और बाकी जो लोग हैं, 4 ह्यूमन फिगर्स में बना रही हूँ, 2 इस साइड में और 2 उस साइड में बनाऊंगी। तो ये जो 4 फिगर्स है, ये 2 जो है वो मेल फिगर्स है और 2 फीमेल फिगर्स है। तो ये डांस कर रहे हैं उसके आजू बाजू में, ऐसा मैं बना रही हूँ। तो ऐसा आप कुछ भी सिनेरियो लेके बना सकते हो। ये जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स होते हैं ना, वो काफ़ी फैसिनेटिंग होते हैं। आप अगर एक बार ट्राई करोगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि क्यों इसको ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स बोलते हैं, क्यों इसमें डेप्थ है। ये सारी चीज़ें आपको तब समझ में आ जाएगी जब आप उसके अंदर पूरा घुस जाओगे। मतलब सिर्फ करने के लिए नहीं कर रहे हो, आप उसको पूरा जान के कर रहे हो, तो फिर बहुत अलग लगता है। और इंडिया में ऐसे बहुत सारे ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स है। वार्ली जो है वो महाराष्ट्र का है, स्टिल मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया था, बॉटल पे ट्राई नहीं किया था मैंने। मैं छोटी थी तब मैंने बनाए हैं बहुत कुछ वार्ली का, बट बाद में फिर बहुत साल निकल गए उसमें, बीच में मैंने कुछ भी नहीं किया था, तो ऑफकोर्स वार्ली भी बहुत पीछे छूट गया। ये वाली जो बॉटल है वो मैं ऑलमोस्ट आफ्टर 15 या 16 ईयर्स के बाद ट्राई करी, मोर देन दैट एक्चुअली। Thank you.
अब इसके ऊपर के साइड में यहाँ पे और नीचे एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस पे हम दो बॉर्डर्स बना लेंगे। तो बॉर्डर भी आप बहुत सारे अलग अलग तरीके के यूज़ कर सकते हो, तो मैं सिंपल वाला यूज़ कर रही हूँ। मैं ये जो बॉटल है वो एकदम बिगिनर लेवल का बना रही हूँ ताकि आपको भी वो हार्ड ना लगे, एकदम ईजी लगे। तो अगर आप भी ट्राई करना चाहते हो वार्ली पेंटिंग, तो आप इसी से स्टार्ट करो। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर है, देख देख के आप करो, आपको हार्ड नहीं जाएगा। अब ये जो लाइंस है, ये आप अगर बोल रहे हो कि आपको स्ट्रेट लाइंस नहीं आ रहे आपके, तो आप मास्किंग टेप भी यूज़ कर सकते हो। पहले मास्किंग टेप लगा दो पूरे बॉटल पे ग्राउंड, और आपको एक रेफरेंस लाइन मिल जाएगी, तो उससे भी आप कर सकते हो। या फिर और एक ऑप्शन मैं आपको देती हूँ कि आपको अगर डायरेक्ट वाइट पेंट से करने में डर लग रहा है कि नहीं गलत हो गया, तो आप पेंसिल से कर लो पहले। बेस्ट वे, पेंसिल से पहले ड्रॉ कर लो और उसके बाद फिर वाइट एक्रेलिक कलर से आप कंटिन्यू करो। और अगर आपके पास वाइट चॉक पेंट है या फिर वाइट मल्टी सरफेस पेंट है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। नॉट नेसेसरी कि आपको एक्रेलिक ही यूज़ करना है तो यूज़ करने में क्या प्रॉब्लम है, राइट? हाँ, अगर आपके पास है ही नहीं तो आप, मैं सजेस्ट करूँगी कि वो 20 रुपये की जो बॉटल आती है वो लेके आओ। ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है एक बॉटल के लिए। सो ये दोनों साइड में अभी हमारी बॉर्डर हो चुकी है पूरी, तो ये ऐसा लग रहा है अभी। ये जो बॉटल है, इसका जो ऊपर का पोर्शन है, टॉप का पोर्शन जो है, वो मुझे थोड़ा सा एम्प्टी लगा। बट एट द सेम टाइम अगर इस बॉटल को आप देखोगे तो ये ऐसी भी कंप्लीट लग रही है। मतलब मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसके ऊपर कुछ करूँ या नहीं करूँ। किया तो अच्छा लगेगा या ऐसे छोड़ दिया तो भी अच्छा लगेगा। दो ऑप्शंस हैं, जैसे ये बॉर्डर्स बनाई हैं वैसे और भी अलग अलग तरीके के बॉर्डर्स हैं वार्ली में, तो वैसा एक बॉर्डर बना दूँ यहाँ पे, या फिर इतने पोर्शन में वाइट वूल लगा दूँ। क्या लगता है आपको कि इन दोनों में से क्या करना चाहिए, क्या ज़्यादा अच्छा लगेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर आप उसको ठीक से देखोगे तो जो नेचुरल कलर आया है ना इसको, वो मुझे बहुत पसंद आया। मतलब जो टेराकोटा का जो नेचुरल कलर होता है, इवन इतने लाइट में भी बिल्कुल वो शाइन नहीं कर रही है, पूरा नेचुरल कलर लग रहा है वो। ये चॉक पेंट से आपको ये वाली फिनिशिंग मिलेगी, एक्रेलिक थोड़ा सा शाइन करता है, एक्रेलिक से नहीं मिलेगी। तो आई डोंट थिंक सो कि वार्निश देने की ज़रूरत है, क्योंकि वार्निश अगर दिया तो वो थोड़ा सा शाइन करता है, मैट भी थोड़ा सा डिफरेंट लुक देता है। बट ये वाला जो है, ये चॉक पेंट का जो लुक है वो आई थिंक परफेक्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऊपर के पोर्शन में कुछ करेंगे, अगर आपको लगता है कि कुछ करना चाहिए तो, नहीं तो अगर आप भी इस पे हो कि हाँ ये ऐसा भी अच्छा लग रहा है, तो हम वैसा ही रहने देंगे। सो गाइज, आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ, एंड मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। See you in the next video. Till then, take care. Bye-bye.